जो इसको कहना चाहें वो कह सकते हैं। ये गेहूं का दलिया है, इसको गेहूं के टुकड़े करके बनाया हुआ जाता है। इसको बनाने से पहले मैं इसको रोस्ट करूंगी। इसको रोस्ट करने के लिए मैंने लिया है देशी घी, और जिस कप से मैंने दलिया नापा था उसी कप से मैंने चीनी नाप के लूंगी। मैं हाफ कप हाफ चीनी का यूज करूंगी, हाफ गुड़ के पाउडर का यूज करूंगी। चलिए स्टार्ट करें। मीठा दलिया और बनाने के लिए हम पहले इसके अंदर घी डालेंगे। घी आप अपने दलिये के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसमें ना तो ज्यादा घी डाला जाता है ना कम डाला जाता है, मीडियम घी का यूज कर सकते हैं आप। हमारा घी हल्का हल्का गर्म हो गया उस टाइम पर, ये जो दलिया है ये मैंने 2 कप दलिया लिया है, इसको डाल के मैं रोस्ट करूंगी। हमें इसको गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट करना है। इसको रोस्ट करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, हमको फ्लेम को मीडियम करके और इसको कंटिन्यू चलाना पड़ेगा। अगर आप इसको कंटिन्यू नहीं चलाएंगे तो ये जल जाएगा। देखिए हमारा दलिया सिकते सिकते थोड़ा ट्रांसपेरेंट होने लग गया है, लेकिन अभी हमें इसे थोड़ी देर और सेकना पड़ेगा। देखिए हमारा जो दलिया है वो रोस्ट होते हुए एकदम वो हो गया है, ब्राउन कलर का होने लग गया है। इसको दलिया भी बोलते हैं, कई जगह थूली बोलते हैं, कई जगह इसको मीठी लापसी कहते हैं। आपकी जो इच्छा हो आप वो नाम इसको दे सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मीठी थूली बोलते हैं। अब जितना हमने दलिया लिया था ना उसका 3 गुना पानी हम इसमें डालेंगे। इसमें लम्स वगैरह कुछ भी नहीं पड़ते हैं, पानी डालते ही एकदम पानी के अंदर घुल जाता है। और आप इसमें इसमें जब भी आप इसमें पानी डालें तो इसमें हमेशा गर्म पानी डालें। पानी डालने के बाद मैं फ्लेम को हाई कर दूंगी और कुकर बंद कर दूंगी। 5 मिनट के बाद मैं फ्लेम लो कर दूंगी, लो भी नहीं मीडियम रखूंगी, और इसे 2 से 3 सीटी लगवाऊंगी। मैंने कुकर में 2 से 3 सीटी लगाई है, उसके बाद इसका प्रेशर डाउन हो गया। अब हम इसको खोलेंगे। कुकर को हमेशा प्रेशर डाउन होने के बाद ही खोलें। देखिए एकदम खिला खिला बना है। अब इस टाइम पर मैं इसके अंदर ये 1 कप चीनी डाल दूंगी और फ्लेम को लो पर हमें चालू कर देंगे। मैंने 1 कप चीनी डाली थी और 1 कप मैं गुड़ का पाउडर डाल दूंगी। अगर आप गुड़ का पाउडर नहीं लेना चाहते तो आप इसको गुड़ भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी गैस स्लो है, अब उसी टाइम पर हम इसको मिला लेंगे। इसमें हमें अब पानी वगैरह कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। चीनी गुड़ डाल दिया। अब मैं ये 1/2 कप नारियल का बुरादा डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आपकी इच्छा हो तो आप डालें, नहीं इच्छा हो तो नहीं डालें। चीनी डालने के बाद भी हम इसको स्लो फ्लेम पर थोड़ी देर पकाएंगे, जिससे कि चीनी जो भी पानी रिलीज करेगी वो अच्छे से मिल जाए। हमारी चीनी मिल चुकी है, हमारा दलिया एकदम रेडी है। उसी टाइम पर मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी। हमारा यम्मी यम्मी मीठी थूली लापसी दलिया जो आप बोलना चाहें वो एकदम रेडी है। आइए इसका लुत्फ उठाते हैं। ये एज ए स्नैक इवनिंग टाइम में, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, रात में, डिनर में, आपका जब मन करे आप इसको खा सकते हैं। बहुत ही हेल्थी है। अगर आपने आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।